हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता फ्रॉम SDS विद्यापीठ. वेलकम टू SDS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस. सो स्टूडेंट्स, टुडे इन योर नर्सरी क्लास एंड इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट वी आर लर्निंग अबाउट द अल्फ़ाबेट लेटर क्यू. ओके स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट लेटर क्यू के बारे में. तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और लर्न करिएगा. ओके स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट लेटर क्यू के बारे में और अल्फ़ाबेट लेटर क्यू से जुड़े हुए कुछ शब्दों और उनके अर्थों के बारे में. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यह कौन सा लेटर है स्टूडेंट्स? यह है अल्फ़ाबेट लेटर क्यू. यह किसके बाद आता है? यह आता है अल्फ़ाबेट लेटर पी के बाद. ओके, तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके लेफ्ट साइड में जो लेटर है वो है कैपिटल लेटर ऑफ क्यू एंड ये है स्मॉल लेटर ऑफ क्यू. ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. ये है कैपिटल लेटर ऑफ क्यू, यानी ये क्यू का कैपिटल लेटर है यानी बड़ा लेटर है, और ये क्यू का स्मॉल लेटर है यानी छोटा लेटर है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला पिक्चर जो है क्यू, क्यू फॉर क्विल. क्या है ये? क्विल. क्यू यू ए आई एल, क्विल. क्विल मीन्स क्या होता है बच्चों? क्विल मीन्स होता है बटेर. क्या है? बटेर. क्यू क्यू फॉर क्विल, क्विल मीन्स बटेर. नेक्स्ट इज क्यू, क्यू मीन्स क्विल, क्विल मीन्स बटेर. एंड द नेक्स्ट इज क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी. क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, क्वीन मीन्स रानी. बच्चों ये देखिए, ये क्या है? ये है क्वीन, क्वीन मीन्स रानी. इनके सर पे क्या है? इसे क्या कहते हैं? क्राउन. क्या कहते हैं? क्राउन. एक ये क्या होता है? ये एक ताज होता है जो राजा और रानी पहनते हैं, जिसे पता चलता है कि ये राजा है और ये रानी है. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? रानी यानी क्वीन. नेक्स्ट है क्यू, क्यू क्यू फॉर क्विल्ट. क्या है ये? क्विल्ट. क्यू यू आई एल टी. तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है क्यू यू आई एल टी, क्विल्ट. क्विल्ट यानी रजाई. क्या है बच्चों? ये रजाई. ठीक है, जो हम ठंडियों के मौसम में ओढ़ने के लिए उपयोग यानी यूज में यूज इसका करते हैं. ठंडियों में हम क्विल्ट, क्विल्ट यानी रजाई का उपयोग करते हैं जो हमें ठंडे से बचाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्विल. क्या है? क्विल. क्यू यू आई डबल एल, क्विल. क्विल यानी क्या होता है बच्चों? पंख. क्या होता है? पंख. यह जो इस तरीके का पंख नहीं है, ये आपने देखा होगा कौवे कबूतर या तोता या फिर और किसी चिड़िए के जो पंख होते हैं, कभी कभार वो ज़मीन पर गिर जाते हैं उनके पंखों में से टूट करके. तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं क्विल. क्या है? क्विल. और ये क्या है? क्विल. ये क्या है? क्विल. आप ध्यान से सुनिए, इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्विल. और इसे क्विल. ठीक है बच्चों, क्विल. क्विल मीन्स बटेर और क्विल, क्विल मीन्स पंख. ठीक है बच्चों, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में. चलिए एक बार हम इन वर्ड्स को फिर से दोहरा लेते हैं. क्यू, क्यू फॉर क्विल, क्विल मीन्स बटेर. क्विल सॉरी क्यू, क्यू फॉर क्विल, क्विल मीन्स बटेर. क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी. क्यू, क्यू फॉर क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई. क्यू, Q
क्यू फॉर क्विल, क्विल मीन्स पंख। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं नीचे के सेक्शन में, जहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी है। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है आज का पोएम जो किस पर बना है। ये बना है क्यू फॉर क्वीन पे, क्वीन मीन्स रानी, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये किस पे है? रानी पर, यानी क्वीन, क्वीन मीन्स रानी पर आज ये पोएम बनी हुई है। तो चलिए हम इसे सीखते हैं, आप लोग मेरे साथ इसे दोहराइएगा। ड्रेस्ड इन ए गाउन, ड्रेस्ड इन ए गाउन, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, द क्वीन इज प्रिटी, द क्वीन इज प्रिटी, ओ सो ब्राइट, ओ सो ब्राइट। अगेन वी आर रीडिंग दिस, ड्रेस्ड इन ए गाउन, रेड एंड वाइट, द क्वीन इज प्रिटी, ओ सो ब्राइट। तो बच्चों, हमने इसे रीड कर लिया है, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। ड्रेस्ड इन ए गाउन, यानी ड्रेस्ड मीन्स क्या होता है? ड्रेस्ड मीन्स होता है कपड़े पहनना। क्या होता है? कपड़े पहनना, यानी ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन्स होता है कपड़े पहनना। इन ए गाउन, गाउन क्या होता है बच्चों? गाउन एक तरह का पोशाक होता है जो गर्दन से लेकर के पैर तक पूरा एक फैलाव, मतलब बना होता है उसमें, और घेरा बना होता है, और वो कंधे से लेकर के पैर तक एकदम ढका होता है। ठीक है बच्चों, यानी जब उसे पहना जाता है तो कंधे से लेकर के पैर पूरे ढक जाते हैं, उसे गाउन कहते हैं। ड्रेस्ड इन ए गाउन, एक गाउन में कपड़े पहने, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, यह कोट जो है किस कलर का है? कोट जो है वाइट कलर का है, और यह गाउन किस कलर का है? रेड कलर का, यानी लाल कलर का है, और ये सफ़ेद कलर का है। ठीक है, द क्वीन इज प्रिटी, द क्वीन इज प्रिटी, प्रिटी यानी क्या होता है? सुंदर। क्या होता है बच्चों? सुंदर। क्वीन मीन्स रानी, द क्वीन इज प्रिटी, क्वीन क्या है बच्चों? सुंदर है, रानी सुंदर है, देख रहे होंगे आप, रानी जो है सुंदर है ना। ओ सो ब्राइट, यानी आश्चर्य व्यक्त करना। ओ मीन्स आप किसी को आश्चर्य से देखते हैं तो कहते हैं ना कि ओ अरे, तो ऐसे वर्ड्स आप निकालते हैं जैसे आप आश्चर्य हो रहे हो, तो ओ सो ब्राइट, यानी ओ बहुत उज्ज्वल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, यानी लाइटेड, बहुत ही उज्ज्वल। रानी सुंदर है, बहुत उज्ज्वल। ड्रेस्ड इन ए गाउन, एक गाउन में कपड़े पहने, लाल और सफ़ेद, रानी सुंदर है, ओ बहुत उज्ज्वल। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसे अच्छे से पोएम की तरह बोलते हैं। Dressed in a gown, red and white, the queen is so pretty, the queen is pretty, oh so bright. Again, dressed in a gown, red and white, the queen is pretty, oh so bright. So students, आपने देखा कितनी अच्छी पोएम थी यह।
तो आप लोग इस पोएम को और इन वर्ड्स को और इनके मीनिंग्स को ज़रूर लर्न करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर के साथ। तब तक आप इन वर्ड्स को ज़रूर लर्न करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।